हाय गाइस गाइस, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने लगा हूँ वो है वाल शावर का इशू है। तो जो लीवर वाले वाल शावर होते हैं, ये देखें, ये मैं आपके साथ पहले शेयर कर रहा हूँ कि ये जो शावर है इसमें इशू हमारे दोस्तों के साथ जो इशू बनता है वो है कि वाल शावर का जो लीवर सेट है तो इसको ओपन कैसे करना है। तो ये आज हम खोलने आए हैं इसको, तो किस तरह खोलना है, किस तरह इसका काम करना है, इसका इशू क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसका इशू ये देखें, ये पानी एक साइड से बिल्कुल नहीं आ रहा तो दूसरी साइड से ये ज़्यादा आ रहा है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि हमारा जो इशू है पानी का वो सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए एल्की चाहिए होगी। इसके लिए हम पहले इसका जो है स्टॉपर वो खोल के एल्की का पेज इसको आराम से खोलेंगे। तो ये आप गौर से देखें, ये हम एल्की बिल्कुल इसमें जो अंदर एल्की लगी हुई है वो इसको ओपन करेंगे। एल्की जैसे ही खुलेगी ये हमारा लीवर यहाँ से हट जाएगा। तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे ये इस एल्की को खोलने की। तो बिल्कुल आराम से एहतियात से इसको हमने खोलना है क्योंकि ये बिल्कुल नाजुक सेट होता है, बड़ा ही क्रिटिकल इशू रहते हैं इसमें। तो ये हम आराम से बिल्कुल इसको खोलेंगे। ये देखिए, ये तकरीबन खुल गई हमारे हमसे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसको यहाँ से जैसे ही हल्की खोल लेंगे तो हमारा ये लीवर सेट यहाँ से हट जाएगा। तो जैसे ही हल्की हमारी खुल जाएगी हम पेचकस के ज़रिए इसको लीवर को यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो ये देखें, ये लीवर हमारा हट गया। तो इसका जो नीचे स्पिंडल है ये प्लास्टिक का, ये आपको नज़र आ रहा है, अक्सर दोस्तों का इशू रहता है कि उनसे ये ओपन नहीं होता। तो हम आज इसको खोलने लगे हैं। तो ये बिल्कुल आराम से नाजुक चीज़ है तो हम आराम से खोलेंगे इसको। ये देखें, ये इसका कप आ गया। अब ये जो मेन नट है वो ये है, ये देखें, ये हमारा नट। हम इसको आराम से, बिल्कुल आराम से, ये बहुत ही नाजुक रहता है। तो इसको खोल के जैसे हम ये खोलेंगे हमारा स्पिंडल कार्ट्रिज जिसको बोलते हैं वाटर कार्ट्रिज, ये हमारी खुल जाएगी। ये देखें, बिल्कुल आराम से एहतियात से खोलना है, पहले पानी बंद कर देना है क्योंकि इसमें ये जो जैसे स्पिंडल खोलेंगे हम तो पानी आएगा। जैसे ही हमारा ये नट ओपन हो जाएगा ये देखें, बिल्कुल आराम से मतलब ये थोड़ा सा जोर का काम है, आराम का काम है। तो इस तरह ये हमारी कार्ट्रिज ये एक साइड पे आ जाएगी। तो ये देखें, अंदर से हमारा ये सिस्टम है। तो इसका जो इशू आ रहा था वो हमारी कार्ट्रिज के अंदर जाली होती है जो वाटर फिल्टर रहता है छोटा सा, तो वो बंद हो चुका था दाएं तरफ वाला। तो वो हम अब इसको ओपन करके तो ये लगाएंगे। ये मैं आपको कार्ट्रिज दिखाता हूँ नीचे से, जो बेस है इसकी नीचे वाली जगह, ये देखें आप। तो ये देखें, ये इसका सिस्टम होता है ये। तो इसके सफाई करके हम इसको फिर से फिट कर देंगे। फिट करने की तो शॉर्ट वीडियो फिर कभी बनाएंगे। तो ये हम फिट करके इसके ऊपर आराम से बिल्कुल लीवर लगाना, सी पी कप लगाएंगे इसका जो ऊपर का टॉप का कप है। तो कप को आराम से बिल्कुल टाइट करके उसमें ज़्यादा चूड़ी और ज़्यादा उसको ज़बरदस्ती नहीं करना। तो ये लीवर को हम बिल्कुल आराम से अपनी जगह पर फिट करके, तो ये देखें, ये हमारा पानी आ रहा, तो पहले बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, अब बिल्कुल पानी फ्रेश आ रहा। तो इसके साथ ही हम इसकी एल्की को बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स करके आराम से टाइट कर देंगे। तो इस तरह ये हमारा काम बिल्कुल आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एल्की जो है बिल्कुल हमारे पास जगह कम है तो इसलिए हम बिल्कुल आराम से इसको टाइट करेंगे। तो जैसे ही हम एल्की को टाइट करेंगे तो हमारा ये काम कम्प्लीट हो गया। तो अब मैं अपना एल्की को फाइनल करने के बाद आपको फिर से ओपन और क्लोज करके दिखाता हूँ। ये एल्की बिल्कुल आराम से टाइट होगी। तो ये यहाँ बंद हो गया, ये देखें, वो सेंटर हो गया, ये ठंडा हो गया, ये बिल्कुल बंद हो गया। तो ये फाइनल हो गया। इस तरह ये हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। आपका होस्ट एजाज रशीद, अल्लाह हाफिज़।